संकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल संकर बोला जाता है। ये बंबई में 1875 ईस्वी मूल संकर तो स्वामी विवेकानंद को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता था स्वामी नरेंद्र दत्त। हाँ, नरेंद्र दत्त। बंबई में 1875 ईस्वी में ये आश्रमज की स्थापना किए थे। इसका उद्देश्य पता है आपको क्या था? इसका उद्देश्य था प्राचीन ग्रंथ जो आजकल अभी मॉडर्न एरा में भूल रहे हैं हम लोग, वही उद्देश्य को इनको उजागर करना था। इनका उद्देश्य यही था कि प्राचीन वैदिक धर्म जो भी होता है ना उसको उजागर करना था। कहाँ स्थापित किए थे? आर्य समाज स्थापना ये तो लाहौर में, लाहौर बम्बई में 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। वहाँ कॉलेज के थे लाहौर में, दे थी जो 1875 आर समाज कॉलेज जो नाम है 1875 ईस्वी में ये बम्बई में किए थे आर समाज की स्थापना। इनका एक नारा भी है, पुना बेदो की ओर लौटो, पुना बेदो की ओर लौटो। इतना डिस्कशन ठीक है ना? वो तो ठीक है, उतना तो काफी है डिस्कशन। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? आपको पता होगा अपना बिहार का एक जगह है चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। उसके पीछे एक कहानी है, एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, ये लखनऊ गए गांधी जी से मिलने। राजेंद्र प्रसाद के साथ गांधी जी से मिलने गए थे, अकेले गए थे गांधी जी से मिलने गए। तो वहां सम्मेलन हो रहा था, लखनऊ सम्मेलन, उन्हें लखनऊ में कांग्रेस सम्मेलन, कांग्रेस वही हुआ 1916 ईस्वी में। तो वहां मैंने गांधी जी को बोले कि गांधी जी मेरे बिहार में आइए, ऐसा ऐसा दशा है। तो गांधी जी बोले कि ठीक है तुम जाओ, हम आएंगे। गांधी जी इग्नोर कर दिए, बोले यार छोड़ो हटाओ, क्या दिक्कत है। तो फिर बहुत जिद थे राजकुमार शुक्ला, बोले ना ऐसे कैसे हो, गांधी जी तो लाइए छोड़ेंगे। तो गांधी जी फिर गांधी जी मूड बनाए और गुजरात गए। राजकुमार शुक्ला इधर देख रहा था कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, तब गांधी जी गुजरात चले गए। ये एक साल डेढ़ साल की बात है। नहीं वो गए थे थी मतलब वो खेड़ा दोलन था ना खेड़ा। तो गांधी जी छोड़िए ना, गांधी जी गए थे ना, हम टॉपिक पे लेके कर रहे हैं। अच्छा, तो राजकुमार शुक्ला गुजरात गए, बोला फिर देखे गांधी जी। राजकुमार शुक्ला, अरे तुम ही चला आया। तब राजकुमार शुक्ला जी बोले गांधी जी आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपको चलना पड़ेगा बिहार। तब गांधी जी बिहार आए, और बिहार आए बिहार के चंपारण जिला, चंपारण जिला में आए। इसका वजह यह था कि वहां नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेज से, और नील की खेती तो करवाई जाती थी लेकिन मजदूरों से 3/20 यानी 3/3 प्रणाली पर खेती करवाई जाती थी। यही चीज को लेके गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया और फिर किसानों को उसका सही मुआवजा दिया है। ठीक है, काफी। मैं एक बार कहता है ना भैया कि देख लेने के लिए ना, एक दो बार। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया? मौलाना हसरत दोहानी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसी बीच में निकल जाए जैसे तीन गो है ना। 15 डिस्कशन। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? दांडी यात्रा कब शुरू की गई? तो दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह शुरू किए थे। ठीक है, ये साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ, कितने 78 सहयोगियों के साथ ये चल पड़े। ऐसे ही बिना जूता ना चप्पल, ऐसे खाली पैर 78 सहयोगियों के साथ चले गए। जब गांधी जी गुजरात पहुंचते पहुंचते इनके साथ लाखों सहयोगी पहुंच गए, और ये पूरा डिस्टेंस था 241 किलोमीटर गांधी जी पैदल चले गए। 241 देखा था गांधी जी पैदल चले गए। और इनका एक बहुत वफादार यानी कि एक और पॉपुलर नेता इनके साथ, कौन वो? कौन? सी राजगोपालचारी। ये भी इनके साथ साथ गांधी जी
साथ ही साथ जा रहे हैं। अगला, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली स्थान कहां से लौटे? खाली हाथ लौटे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब लंदन गए वहां से ये खाली हाथ लौटे थे। खाली हाथ लौटे तो जब लौटे तो गांधी जी ने एक बात कही कि हम खाली हाथ तो लौटे हैं लेकिन अपने देश के झंडे को जो मुझे सौंपा था मैं उसे नीचे नहीं होने दिया और उनके सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। ये गांधी जी जब लंदन से लौटे थे निराश होके खाली हाथ लौटे थे तो ये कहावत जब भारत में आए तब बोले थे कि हम वहां से हाथ मतलब खाली हाथ लौटे हैं लेकिन अपने झंडे को नीचे नहीं झुकने दिया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए जिससे जुड़े हुए थे गंगा शरण प्रसाद, रामचरण बेनी, रामगिरीश बेनी, ये सब बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे जो जयप्रकाश नारायण 1931 ईस्वी में इनका गठन किए। नहीं आप वहाँ पर रहिएगा ना वहाँ पर तो ये है ना कि अच्छा बन जाएगा जो खाली बोर्डवे पर नजर आ रहा है बोर्ड पर। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण को